अरे नहीं, हम जगह ही नहीं मिली यार, हर कोई ये रही मेरी बाइक थोड़ी खराब हो गई है। सर लेफ्ट लेफ्ट, आपके लेफ्ट में एक बार, सर लेफ्ट में दोनों। From left to right, yeah. साथ में थे। यस 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 यहाँ से एक नंबर बड़ा। तो कैसा रहा थोड़ा, अगर आप शेयर करना चाहें? बच्चे ना एकदम आप जैसे होते हैं, मतलब वो कभी खुश नहीं होते, जितना भी उनसे खेल लो कभी खुश नहीं होते, मतलब एकदम आप जैसे होते हैं, बड़े नॉटी होते हैं, बहुत क्यूट होते हैं, बिल्कुल आप जैसे। तो बच्चों की बात करो तो रियल लाइफ में भी आपको बच्चे बहुत पसंद है, तो सर आपने रियल लाइफ से रियल लाइफ ही जिया है क्या सर ये गाने को लेके? ये एक्चुअली क्या है कि जितना भी हमने शूट किया है वो फुटेज हम ऑर्गेनिक रखना चाहते थे, तो हम एक्चुअली बच्चों के साथ खेल रहे थे, तो जितना भी आप पोर्शन आप देख रहे हैं वो बहुत ऑर्गेनिक है। बच्चों के साथ आप नहीं खेलोगे तो बड़ा बोरिंग सा हो जाएगा, क्योंकि उनको आप एक्टिंग कराने सिखाओ, बोलो कि यार फुटबॉल खेल के ये खेल लिया, लुका छुपी खेल लिया, हम एक्चुअली खेल रहे थे उनके साथ, तो वो खेलना पड़ा, वो भी एंजॉय कर रहे थे, यहाँ वहाँ भाग रहे थे, सो कोई किसी को कंट्रोल नहीं कर रहा था, यू नो, बट इट वाज अ वेरी स्वीट थिंग, इवन वी हैड फन। हमारे प्रोड्यूसर्स हमें कंट्रोल कर रहे थे कि बोल रहे थे बस करो यार कितना खेलो, और डायरेक्टर बोल रहे थे करा शूटिंग भी कर दिया। जैसे मैंने पहले भी कहा था, सच यू नो द टीम इज वेरी गुड, द एंटायर टीम स्टार्टिंग फ्रॉम द डायरेक्टर्स, यू नो जो भी टेक्नीशियंस है या फिर डीओपी सर भी जो थे या फिर आवर प्रोड्यूसर्स, एवरीवन इज वेरी स्वीट, सो वी डिडंट हैव एनी प्रॉब्लम्स, रादर यू नो वी वर सो हंबल एंड नाइस एंड काइंड टू अस, they made it easier for us and they were friendly enough and it was a good experience overall for me. आज आप कॉलेज में आए तो कुछ कॉलेज की यादें ताजा, तो कुछ आप बताना चाहेंगे? मुझे इस कॉलेज की याद ये है कि मैं इस कॉलेज के बाहर खड़ा रहता था, इस कॉलेज से था नहीं मैं, तो वहाँ पे ना जैसे लौंडापंथी करते हैं ना, तो वो करता था, और यहाँ का डोसा, यहाँ का वड़ा पाव आई थिंक महाराष्ट्र का सबसे फेमस है, तो अगर आप आना चाहें तो लौंडापंथी के लिए नहीं, खाना खाने यहाँ आना चाहें तो उनको बिजनेस। लास्ट क्वेश्चन मैम, आप बताइए आपकी कुछ मेमोरी। टू बी वेरी फ्रैंक, अगर मैं यहाँ पर स्टेज पर बैठी हूँ, अमेजिंग परफॉर्मेंस, क्या बात है, all right, perfect, one last cheer for everybody.
taking you through the introduction of our artists. Next up, I want to tell you that Abhi sir has come up with this beautiful song, which has been composed by Yakshak Jagtap, has been produced by Aishwarya Tiwari, and written by Shekhar Astitwa, and obviously sung by Abhi sir. And the song is called Aankhe Band Karke. We're so glad that the launch is happening at our very own college, and we have media here for the coverage, and they will have a few questions for you. Before that, I want my team to screen the song for us so that we can hear it, and then we can ask a few more questions. So, video team ready? But what a good takeaway is Maggie noodles, chocolate. जो हमने डालने की कोशिश की है, and yeah, and you know, a little bit of cheating if it doesn't harm anybody, you know, when you're playing a game. So thank you so much for watching it. I hope you guys like it. I must say that the cinematography, right to the composition, amazing. You guys are super duper cute on the screenplay. So I think ab media se sawal lene ka time aa chuka hai. So I'll hand over the mic to all of you, and you can take questions as and when you guys. Yes. How was the experience? So, आप पानी पी रहे हैं? अरे आप आगे सर। पानी। पानी। अभी कुछ अलग अतरंगी सा पूछे गए। How was the experience working with both of? Very bad यार। Very bad bro। क्यों? मुझे मजा ही नहीं आया काम करके। इतने अच्छे परफॉर्मेंस होते हैं ना, तो मुझसे नहीं परफॉर्म। ये तो है ना। बहुत बुरा था एक्सपीरियंस। आप बताइए मैम। एक्सपीरियंस कैसा रहा? द टीम इज एक्सट्रीमली गुड एंड सबके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा, अपार्ट फ्रॉम ऑल द जॉब्स. एंड ही इज अ ब्रिलियंट सिंगर, लाइक एवरीवन कैन लाइक ही ऑल गेस्ट. मतलब शी इज फॉलिंग शॉर्ट ऑफ वर्ड्स. रवि भाई इतना कमाल का कैसे गा सकते हैं? इनके गले में ऑटो ट्यून. And also the entire team is good. The experience was really, really nice. And of course, Anand is there. मैं तो ही मैं बस आ जाता हूँ. One plus one. Okay, ma'am. Chemistry is looking good. Poster तो बहुत अच्छा लग रहा है. तो ma'am आपसे जानना चाहूँगा कि जब shoot हो रहा था तभी chemistry कैसा था और sir के साथ काम करने में कैसा लगा आपको? See, so we have done the previous season together, and we are very good buddies. And this is how, you know, maybe the chemistry can be seen on screen somehow. And also, like we have that, you know, fun kind of a bond. So it actually turns out to be the best, you know, whatsoever we, you know, scenes we do or takes we do. एक्चुअली एक दूसरे की रिदम समझना बहुत जरूरी हो जाता है, खुद की एज अ परफॉर्मर, दूसरे की भी. आई थिंक सबसे ज्यादा जरूरी वो होता है. एंड जब रिदम समझ आ जाती है तो यू नो कि अगर आप ऐसा करेंगे तो उसका ऐसा रिएक्शन आएगा. और प्लस आई थिंक अ बिग शाउट आउट टू द डायरेक्टर्स नितिन एंड नथिंग. कहना के कभी कभी हम लोग कभी कभी हमें कुछ सही लगता है, लेकिन एक लार्जर पर्सपेक्टिव हमेशा जो क्रिएटर होता है उनका होता है. तो आई थिंक यू नो उनकी वजह से एक खूबसूरत बन पाया. अभी सर फ्यू लाइंस. अभी सर क्या था सॉन्ग? ये गाना एक्चुअली एक साल पहले मेरे पास आ गया था. एक साल? हाँ. जो इसके म्यूजिक डायरेक्टर है यक्षज, उन्होंने मुझे सुना दिया था गाना. उन्होंने बताया कि इस टाइप का इसके लिरिक्स है और वो सब कुछ. तो इसमें चेंजेस बहुत हुए एक्चुअली. हाँ, महेश भैया जो कि बी लाइव म्यूजिक के ओनर है, उन्होंने बहुत सारे चेंजेस में. हम 9 बजे रिकॉर्ड करने बैठे थे, सुबह 4 बजे तक रिकॉर्ड कर रहे थे इस गाने को जब हम फाइनल डब पे थे.
बहुत सारे चेंजेस हुए, तो ये चेंजेस आपके सामने हैं, जिस तरीके का इमोशंस हैं, जिस तरीके से ये लिरिक्स लिखी गई है, तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरे से। यक्षा ने बहुत ही अच्छा गाना बनाया है। बेसिकली मैंने हाँ वो ये बहुत बहुत मतलब डर रही थी मुझे काटने से। मैं बोला था कि यू हैव टू बी ट्रू टू योर कैरेक्टर, यू नो, तो तुम ऐसे समझो कि तुम एक बोल नहीं सकते पर नहीं, इन द सेंस दैट काटने आना चाहिए तुम्हें इंसान को, यू नो, वैसे तुम कैसा मानोगे। नहीं बट लाइक शी वाज रियली पेट्रिफाइड एंड यू हैव टू मेक इट लुक लाइक ऑथेंटिक, तो आई थिंक दैट्स वन ऑफ द फनी मोमेंट्स। आई हैड अ ब्लास्ट, वी हैड अ ब्लास्ट, यू नो, बच्चों के साथ खेल के, मतलब इतनी एनर्जी हमारी खत्म हो गई थी कि पैकअप हो जाए इसके बाद। विद चिल्ड्रन हैव दिस एनर्जी विच नेवर डाइज डाउन एंड या सो व्हाटएवर यू आर सीइंग लाइक यू नो द मोमेंट्स दैट वी आर लाइक प्लेइंग विद देम इट्स एक्चुअली व्हाट वी वर प्लेइंग सो दे शॉट अ लॉट and they chose the best sequence. Okay, we have seen the fun side over here. Okay, but in the video we have seen a sad side. That especially that hand movement. What about that? मतलब कितना difficult हुआ वो scene करने में? Hand movement ऐसे. अच्छा. हाँ. और हाथ छूटने का. तो मैंने धर्मा की फिल्म देखी थी. थोड़ा बहुत सीन गया. लेकिन उस टाइम पे मैंने एक चीज रिक्वेस्ट की थी, आई हैव ऑलवेज कनेक्टेड टू माय कैरेक्टर, जब भी मैं अपनी स्क्रिप्ट पे काम करता हूँ, सो आई कनेक्टेड टू द म्यूजिक, म्यूजिक प्लेज अ बिग पार्ट टू गेट माई इमोशंस आउट, यू नो। तो उस टाइम पे मैंने रिक्वेस्ट किया था कि कैन आई हैव द सॉन्ग, इस सॉन्ग का एक पोर्शन है जो मैं अभी भाई को भी अभी ग्रीन रूम में कह रहा था कि जब वो रोते हैं गाने में तो वो वाला अगर पोर्शन प्ले करेंगे तो मे बी मेरा इमोशन ज़्यादा ऑथेंटिक आएगा। और हाँ फिर वैसे था भी, तो गाना प्ले करके एक इमोशन आ जाता है। फिर एक और गाना है बीच में, वो गाना हमें मिल नहीं रहा था, तो फिर हमने एक मेरा फेवरेट गाना जो हमने शौर्य अनोखी में भी यूज़ किया था, जो बेची थी तो, तो फिर वो भी प्ले किया, फिर उसके बाद भी टेक अच्छा नहीं हुआ, तो फिर मैंने बोला कि इससे बात नहीं होने नहीं वाला, आप मैनेज कर लेना। एक्सपेक्टेशन हमारी नहीं होती है, जितना आप लोग पूछते हैं उतना हम सोचते भी नहीं है, बिकॉज जब हमें बुलाया जाता है तो जाहिर है कि उन्होंने कहीं हमारा एक बॉडी ऑफ वर्क देखा होता है और शायद हम उस कैरेक्टर में फिट बैठ रहे हैं और थोड़ा बहुत अच्छी एक्टिंग कर लेते हैं शायद तो आई थिंक इट जस्ट हैपेंस, यू नो। एंड हमारी एक एक्सपेक्टेशन ये रहती है जो मैंने महेश भाई से भी, हु इज द प्रोड्यूसर ऑफ द सॉन्ग, हमने कहा था कि बिकॉज वी ऑलरेडी कम अप विद अ सॉन्ग, इट हैज टू बी लार्जर देन लाइफ, मतलब कुछ और होना चाहिए, यू नो। तो वी ऑल वर्कड कलेक्टिवली और एक अच्छी कहानी बताने की कोशिश की। आई नो इट्स अ वेरी, इट्स नॉट वन ऑफ योर टिपिकल रोमांटिक सॉन्ग, एक ऐसा गाना है
जब आप ये पूरा गाना देखेंगे हाफ वे थ्रू यू विल रियलाइज के ये गाना आप भूल नहीं पाएंगे यू नो व्हेनेवर यू हियर दिस सॉन्ग यू विल हैव दैट इमेजरी इन माइंड तो दैट्स द काइंड ऑफ इंपैक्ट इट हैड ऑन मी आई एम प्रीटी श्योर इट विल हैव ऑन द ऑडियंस एज़ वेल कैसे बनेगी दो मिनट लगे कि पांच मिनट लगते हैं ऐसे झूठ बोलते हैं दो मिनट में बनती है हाँ हैं थोड़े बहुत हैं अभी सब इधर ही पूछोगे गाने के बारे में कुछ और पांच चीजें पूछनी चाहिए यार के यार कौन कौन लेटा था सच पे मैं दो लाइन सुना देता हूँ हाँ दो लाइन आप सुबह शाम सजदे किए मैं कैसे बताऊं तुझे तू सब कुछ है मेरे लिए तू अगर संग है तो लगे सब सही तेरी मर्जी मुझे ले दूर दुनिया से कहीं आंखें बंद करके साथ तेरे मैं कहीं भी चल दूंगा हम जो भी आए उनको खुशी से मैम आपको भी गाना चाहिए आप भी अच्छा गा गाना यही वाला या तो ये बताइए कि अगर ये रैप गाना होता तो कैसे गाते उसे Can we have a loud cheer, guys? Come on. Karan sir. It's like theater. Subah shaam sajde ki दोनों एक साथ अरे गाने दो साथ में हाँ ठीक है चलेगा
रिएक्शन जब गाना आया होगा किस तरह का रिएक्शन मिल रहा है आपके फैंस लोगों को? They were pretty much excited, जैसे आपको पता है, because they were the ones who kept pushing us for this. So they were pretty much excited काफी टाइम से. For example, there was this meme also जहाँ पे people were like soon, soon, soon कब आएगा? But ultimately it's you've done it and yeah, this is you know awesome. It's their love and also thanks to and the entire team was done beautiful job together. सर आप बताइए, बहुत ही ब्यूटीफुल वॉइस आपने दी है, तो कुछ आप बताइए कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? तो दो बड़े स्टार एक्चुअली जब ये गाना आने से पहले ही मुझे डीएम्स आते थे इन दोनों के लिए कि प्लीज़ कर्ण वीर और दीपक मेरे साथ प्लीज प्लीज, ऐसा करके बहुत सारे मैसेज थे, तो वो सब ने नोटिस किए, महेश भैया ने भी किए कि चलो ये गाना करते हैं उनके साथ, तो ये गाना क्रिएट किया गया आपके मन करके. पर एक बात, जैसे ये गाना हुआ उसके बाद जब लास्ट में एक सरप्राइज मिला है इनके फैंस को कि देवा उसमें मर जाती है एक्चुअली, तो मुझे पूछ रहे पहले तो बहुत सारे ऐसे आए कि भाई कब गाना आ रहा है कब गाना आ रहा है, अब मेरे को मैसेज आ रहा है कि ये क्या कर दिया मतलब ये क्या कर दिया, मुझे मार दिया देवा वो. तो कहीं ना कहीं जो आपके फैंस को काफी नाखुश हो गए जो गाने में डेथ हुई है, देवा आप कुछ कहना चाहेंगे? मतलब डेथ काफी मतलब नाखुश जैसे सर कह रहे हैं. नहीं नाखुश वाली कोई बात नहीं है उसमें, वापस मैसेजेस भी आ रहे हैं कि गाना बहुत अच्छा लग रहा है सब कुछ अच्छा है, पर एंडिंग में थोड़ा देवा को आनी चाहिए तो ऐसा दिखा रहा है लास्ट में दिखा. वो डेट्स अवेलेबल नहीं थी उनकी, अरे करना पड़ा. सो इफ यू सी द म्यूजिक वीडियो कम ऑन कम ऑन क्या था ये. सो if you see the video last mein there's this hopeful jo ladka the guy basically he's hopeful and he's doing the work jo wo ladki karna chahti thi. So it's a beautiful story if you see uski kahani. Us ladke ne wahi stop karne ki koshish nahi ki, wo chahta to ho jata wahan pe, but then he continued her work somehow. So that's a beautiful ending that he has given even if maybe death ho chuki ho Actually, she's really right. Actually, आज का ज़माना ऐसा है कि एक होप की ज़रूरत सबको रहती है, चाहे हम आर्टिस्ट हों या कोई भी आम इंसान. तो इसमें होपफुल चीज़ ये है कि लाइफ डजंट स्टॉप, आप अगर आप नोटिस करेंगे कि वो अभी भी साथ में है, शी स्टिल देयर विद हर लवर. And he looks at her, जब वो देखता है उसको खुशी होती है, वो देखता है कि उसने अचीव कर लिया है उसका ड्रीम, और उसको देखता है फिर रियलाइज करता है she is right there. और उससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती, that love is endless, it's unconditional, it's endless. और ये मैसेज अगर लोग समझ पाएंगे तो they won't feel bad. बार बार इसको मानना चाहिए. जहाँ पे मैं अपने ना स्टेज पे आके गाना गाती थी या फिर डांस करती थी एंड देयर वर ऑडियंस इन फ्रंट ऑफ मी, सो इट फील्स गुड समहाउ, यू रिमेंबर ऑल द यू सी सिमिलर काइंड ऑफ स्टफ, सो ऑफ कोर्स आई फील नाइस. ओ मैम को आपने आज गाने सुनते हुए देखा तो कैसा लगा आपको? मैम ने आज गाना गाया तो कैसा लगा आपको एज अ सिंगर? मैम वो बहुत पहले से मैं जानता हूँ, वो रोज़ तो मैं गाना सुनता हूँ, बहुत अच्छा गाती है, उनकी वॉइस में मुझे लगता है कि वेस्टर्न जो टच है, वेस्टर्न टेक्सचर उनका ऐसा है, वो वेस्टर्न बहुत अच्छा गाती है, बहुत अच्छा. लोग पोस्टर सेपरेट शूट करते हैं, बट दिस इज बेसिकली इट शोज टुडेज लव, वो दिखता है कहते हैं कि आँखें बंद करके मैं किसके लिए क्या करना चाहूंगी. थैंक यू सो मच, थैंक यू गाइस.